गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज पायस त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल टेक पायस। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जो लोग टेलीग्राम के लिए अपने मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स को परचेज करने की सोच रहे हैं या उन्होंने अभी रिसेंट में टेलीग्राम के लिए मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स को परचेज किया है। तो वो लोग बड़े कन्फ्यूज हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, जो लोग परचेस कर चुके हैं और जो लोग परचेस करने की सोच रहे हैं वो भी ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार हमें मुझे ये परचेस करना चाहिए, इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए, कहीं इससे मेरे चैनल को कोई हार्म तो नहीं होगा, कहीं कोई फेक सब्सक्राइबर्स तो नहीं होंगे, कहीं मेरा चैनल बंद तो नहीं हो जाएगा, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। सो आज के आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि आपको टेलीग्राम के मेंबर सब्सक्राइबर्स को खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, और अगर हाँ तो क्यों, ना तो भी क्यों। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से देखना है, एंड तक देखना है, एज यूजुअल एक भी सेकंड को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए, मुझे यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो को अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन सिर्फ आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। टेलीग्राम के लिए अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स को परचेस करें, तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका वन लाइनर आंसर दे देता हूं कि ऐसा गलत बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सब्सक्राइबर या मेंबर परचेस नहीं करने चाहिए, बिल्कुल ही सही है। आप लोग सब्सक्राइबर्स को मेंबर्स को अपने ग्रुप के लिए चैनल के लिए परचेस कर सकते हो, लेकिन परचेस कैसे करना है इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है परचेस करते टाइम पे। उसके बाद अगर आप लोग टेलीग्राम के मेंबर्स को सब्सक्राइबर्स को परचेस भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके चैनल को कोई भी इशू फेस नहीं होगा, लेकिन तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। अब वो तरीका कौन सा होने वाला है जैसे आपको परचेस करना है और कौन से वो गलत तरीके हैं, दोनों ही चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जब भी आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं टेलीग्राम के मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स को परचेस करूँ। देखो जो फर्स्ट पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, सोर्स मतलब कि आप कहाँ से परचेस कर रहे हो। अब देखो इंटरनेट पे ना हजारों लाखों वेबसाइट्स ऐसी पड़ी हुई हैं जो आपको ऐसे ऑफर्स करते हैं कि आप लोग 10 रुपये में 1000 सब्सक्राइबर्स ले लो, 10 रुपये में 10,000, 20,000, कुछ कुछ तो 1-1 लाख तक भी ऑफर करने को तैयार हो जाते हैं अगर आप लोग सर्च करते जाओ, नीचे से नीचे जाते जाओ। लेकिन अब ये होते हैं भाई एकदम फेक मेंबर, फेक सब्सक्राइबर्स। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं जो आपसे स्टार्टिंग में 100 रुपीज लेंगी लेकिन आपको वो जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो 500 ही देंगी। तो इसका जो रेशियो है ना, सबसे पहले आपको रेशियो समझना है कि आप कितना पे कर रहे हो और उसके बदले में आपको कितना मिल रहा है। यहाँ पर ये नहीं है कि 10 रुपये में हजारों लाखों सब्सक्राइबर्स आप ले लो तो बहुत अच्छी डील है, नहीं नहीं यहाँ पर ये डील ख़राब मानी जाती है। ऐसा इसलिए ख़राब डील मानी जाती है क्योंकि वो जो फॉलोअर्स, वो जो मेंबर्स, वो जो सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं आपके टेलीग्राम चैनल या ग्रुप के लिए, वो होने वाले बिल्कुल इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स मेंबर्स। और जब बल्क में कहीं से भी आप परचेस करो, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल 100 सब्सक्राइबर्स को ही परचेस करो, मेंबर्स को परचेस करो अपने टेलीग्राम के लिए, तो बल्क में वो तुरंत ट्रांसफर करते हैं। अब जब बल्क में ट्रांसफर होता है ना तो टेलीग्राम को एल्गोरिदम को पता चलता है कि यार इसके जो चैनल पे, इसके जो ग्रुप है उस पर सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स एकदम बल्क में आ रहे हैं, तो एल्गोरिदम तुरंत इंस्टेंटली चेक करता है कि ये जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मतलब इनका सोर्स कैसे, नेचुरली उन्होंने सर्च करके आपको ज्वाइन किया है तो ठीक है, नहीं तो वो आ कहाँ से रहे हैं। तो एल्गोरिदम के लिए ये पता लगाना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है कि आपने सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स कहाँ से लेकर के आए हुए हैं। जैसे एल्गोरिदम को पता चल जाएगा कि ये आए हुए हैं एक फेक वेबसाइट से, और चलो वेबसाइट से तो ओरिजिनल हो, ये हैं बिल्कुल फेक सब्सक्राइबर्स, फेक मेंबर्स, इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स या मेंबर, तो एल्गोरिदम पे ये फील्ड है कि अगर ऐसी कोई भी इनएक्टिविटी चैनल के अंदर होती है तो आपको प्रमोट नहीं करना, ये एल्गोरिदम जानता है। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि सस्ता काम में आप लोग ज़्यादा चीज़ तो ले लोगे लेकिन ना लॉन्ग टर्म के लिए ना आप अपनी ग्रोथ को बिल्कुल उसी दिन उसी मिनट से स्टॉप कर देते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सोर्स बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। अब वो सोर्स का कौन सा हो सकता है, मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं बिल्कुल ही जहाँ से जेन्युइनली आप लोग परचेस कर सकते हो, इसलिए मैं अपनी वीडियोस में ऐसे नहीं बताता, ऐसे कोई भी टेलीग्राम के वेबसाइट को नहीं बताता कि यहाँ से हजारों लाखों फॉलोवर्स आप, मेंबर्स आप लोग परचेस कर लो बहुत ही कम प्राइस में। मैं बताता हूँ थोड़े से कॉस्टली होते हैं लेकिन जो एक्टिव होते हैं, जो आपके टेलीग्राम की एक्टिव ग्रोथ को नहीं रोकते। हाँ, अगर आपको शो ऑफ करना है कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने लाखों में हैं, इतने हजारों में हैं, तो आप शो ऑफ कर सकते हो बिल्कुल ही फेक लेकर के। लेकिन जब इंसान जो जिसको आप शो ऑफ कर रहे हो ना, वो जब आपका कंटेंट के व्यूज़ देखेगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ साफ हो जाएगा कि यार
लाखों सब्सक्राइबर्स, लेकिन व्यूज तो 200 ही हैं। आपने बहुत से ऐसे चैनल्स देखे होंगे, बहुत से ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट है, बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो परचेज तो कर लेते हैं सब्सक्राइबर्स मेंबर्स, लेकिन व्यूज उनके आ ही नहीं रहे होते हैं। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपकी टेलीग्राम की ग्रोथ को बिल्कुल ही उसी दिन से रोक देगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर आके सबसे पहले इंसान गलती कर देता है। तो सबसे पहले आपको सोर्स बिल्कुल ही ध्यान पे रखना है। सेकंड पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वो ये कि बल्क में आपको कभी भी नहीं खरीदना है। हजारों लाखों सब्सक्राइबर्स मेंबर्स एक दिन में आपको नहीं खरीद लेने, आपको एल्गोरिदम, क्योंकि आप ना कुछ परचेस करके ला रहे हो, तो एल्गोरिदम को नहीं पता चलना चाहिए कि आप इकट्ठा, आपके पास चाहे जितने पैसे हो इकट्ठा आपको नहीं ले करके आना, आपको थोड़े थोड़े लेके आने। फॉर से एक दिन में आप 1000 ले आओ, दूसरे दिन में 1000 ले आओ, 2000, 3000 ऐसे करके लेकर के आओ। एक दिन में 10,000, 20,000 सब्सक्राइबर्स मत परचेस करो। ऐसे में भी चाहे वो एक्टिव ही हो, एल्गोरिदम समझता है कि ये इनएक्टिविटी हो रही है, क्योंकि नेचुरल जो आप लोग आपको सर्च करके ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो आपको हमेशा इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और यही वो पॉइंट्स भी हैं जिनको जो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यानी कि आपको सोर्स बिल्कुल इसे ठीक रखना है, और आपको बल्क में एक साथ नहीं खरीदना है, धीमे धीमे आप लोग खरीदते जाओ। जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्टिव फॉलोअर्स, एक्टिव मेंबर्स। हमेशा एक्टिव मेंबर्स ही परचेस करना, और कोई भी ऐसा प्लान आप लोग मत परचेस कर लेना कि इससे आपके मोनेटाइजेशन भी हो जाएगा, टेलीग्राम पे रेवेन्यू भी आने लग जाएगा, अच्छे व्यूज़ भी आने लग जाएंगे। मतलब बहुत से ऐसे पैकेज चलते हैं मार्केट में कि आप ना इतने रुपए दे तो इतने सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, इतने मेंबर्स मिल जाएंगे, इतना आपको व्यूज़ आने लग जाएगा, इतना आपको कमेंट्स आ जाएगा, लाइक्स आ जाएगा, ये वो फंस टाइप की चीज़ें रहती हैं जो आपको वो ऑफर करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल ही जेन्युइन पैनल में, जेन्युइन वेबसाइट पे आपको करना है। अब वेबसाइट आप कहाँ से मिलेगी आपको इसी चैनल पर मैं बताऊँगा। बहुत से बीच बीच में मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई जिसमें मैंने कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि कहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो। मेक श्योर कि वो प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के जरूर देख लो, और कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि अभी आपको करेंटली ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें मैं पूरा आपको डेमो करके दिखाऊं अपने टेलीग्राम पर्सनली। मैं अपने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है टेक पायस, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन भी कर सकते हो। उस पर मैं सब्सक्राइबर्स को परचेस करके दिखाऊं। अगर आप लोग चाहते हो सो जस्ट कमेंट डाउन एंड टेल मी। और यहां तक आप लोग पहुंच गए, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज बनाने के लिए और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लेकर के आने के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। सो आपको इन तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, पहला सोर्स जेन्युइन होना चाहिए, दूसरा बल्क में नहीं होना चाहिए, तीसरा आपको बिल्कुल ही एक्टिव जेन्युइन फॉलोअर्स होने चाहिए। अब देखो जेन्युइन जब आप लोग सब्सक्राइबर मेंबर्स को परचेस करते हो ना, तो वो क्या होते हैं, आपके कंटेंट के साथ इंगेज होते हैं। कोई भी मेंबर अगर आपके कंटेंट के साथ इंगेज नहीं हो रहा, तो उसका होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। आपका फिर वो ऐसा डेड मेंबर पड़ा रहेगा आपके मेंबर चैनल पे, तो कोई मतलब नहीं होने वाला। वो आपके कंटेंट के साथ इंगेज करें, इंगेज करने का मतलब कि वो आपके कंटेंट को देखे, उसको लाइक करे, उस पर अगर आप लोग कोई लिंक दे तो उसे क्लिक करे। मतलब ओवरऑल एक इंगेजमेंट एल्गोरिथम को दिखना चाहिए, और जब ये चीज़ दिखने लगती है एल्गोरिथम को, तो वो आपके टेलीग्राम के चैनल को प्रमोट करने लग जाता है। फिर आप लोगों को परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो परचेस करते हैं इनिशियल ग्रोथ के लिए। इनिशियल ग्रोथ के लिए परचेस करना एक प्रकार से ठीक भी है कि कुछ फॉलोवर्स, कुछ सब्सक्राइबर्स आप लेकर के आ जाओ, फिर नेचुरल ग्रोथ से वो आने लग जाएंगे। तो लेकिन इसके लिए आपको इन 3-4 पॉइंट्स का हमेशा ध्यान में रखना है। तो इन 3-4 पॉइंट्स को अगर आप लोग ध्यान पे रख के परचेस करते हो सब्सक्राइबर्स को या मेंबर्स को, तो कोई भी हार्म नहीं होने वाला आपके चैनल को, कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाली। लेकिन अगर इन्हीं पॉइंट्स में से कोई भी एक मिस्टेक आपने कर दी, तो आपका टेलीग्राम चैनल को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो नुकसान ना हो, इसीलिए मैंने ये चारों पॉइंट्स को आपको इस वीडियो के थ्रू बताया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, यूट्यूब पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इन्हीं चारों पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही फॉलोवर्स को, मेंबर्स को, सब्सक्राइबर्स को, जो भी आपके टेलीग्राम चैनल या ग्रुप के लिए, उनको परचेस करना। आई होप आप लोग को वीडियो बिल्कुल समझ आ गया होगा। इंस्टाग्राम पर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो जरूर कर लो, यूजर नेम आपके सामने भी पॉपअप हो रहा है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दे दिया, कहीं से भी जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।